प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन क्लोजर प्रॉपर्टीज पार्ट वन एंड पार्ट टू दो वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। जितनी भी वैरायटी, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने लगभग आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। और दो चार क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं इस वीडियो दैट इज पार्ट थ्री में कवर अप करूंगा। ठीक है? अच्छा, मेरे को जरा रिवाइज कराओ। पार्ट टू में हम लोग कन्वर्स क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना? कन्वर्स मतलब उल्टे, जैसे इन द सेंस अगर मैं देखो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूं कि L1 मेरी रेगुलर है, ठीक है? L1 या अच्छे से लिखते हैं, चलो L1 एंड L2 आर रेगुलर, L1 एंड L2 आर रेगुलर। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि L1 यूनियन L2 इज रेगुलर, है ना? बिल्कुल सिंपल बात है, ये हमने लास्ट क्लास में देखी थी, रादर बहुत बार देखी है पहले भी। क्लोजर प्रॉपर्टी है तो ये सिंपल है ना, सिंपल क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछूँ, है ना, कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि L1 यूनियन L2 रेगुलर है, L1 यूनियन L2 रेगुलर है, तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बताओ। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, यहां से भाई कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगी। ठीक है? मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि L1 और ये L2 है ना, तो हो सकता है अगर L1 यूनियन L2 रेगुलर हो सकता है कि L1 और L2 दोनों रेगुलर हो सकता है कि L1 नॉन रेगुलर हो बट L2 रेगुलर हो सकता है कि L1 रेगुलर हो L2 नॉन रेगुलर हो, और हो सकता है दोनों की दोनों नॉन रेगुलर हो, है ना? और इनके मैंने आपको बहुत अच्छे से चारों केसेस के एग्जाम्पल्स भी दिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में। आप वो लेक्चर मेरा देखो, ठीक है? पार्ट टू देखो, पार्ट टू में मैंने आपको अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने रेगुलर तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखा था अपने आपको, मैंने CFL CSL एंड सो ऑन हर एक टाइप की लैंग्वेज के बारे में आपको सब कुछ समझाया था, और आपको अच्छे से क्लियर किया था कि जो ये जो यूनियन का केस है ना, इंटरसेक्शन का केस है, सेट डिफरेंस का और कंकेटिनेशन, ये चारों ऑपरेशंस का जो केसेस हैं वो कैसे हैं भाई, एक किस्म से वो सारी वन वे थ्योरम्स होती हैं। ठीक है? वन वे थ्योरम्स इन द सेंस, वन वे थ्योरम्स इन द सेंस, मैं एक बार लिख देता हूँ ये अच्छे से, वन वे थ्योरम्स। हाँ, तो वन वे थ्योरम इन द सेंस क्या मीनिंग था भाई, कि एक तरफ चलेंगे, है ना, इनका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये देखा L1 यूनियन L2 रेगुलर है, तो इसका मतलब L1 यूनियन L2, L1 एंड L2 रेगुलर है, तो इसका मतलब L1 यूनियन L2 रेगुलर होगा। लेकिन जब मैं उसका कन्वर्स करके देख रहा हूँ कि L1 यूनियन L2 रेगुलर है, तो इससे हम ये बोल दें कि L1 एंड L2 दोनों रेगुलर होंगे, नहीं बोल सकते, है ना? तो वही चीज है, ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाई थी। तो ये सारी वन वे थ्योरम्स बनती हैं, ऐसे CFL CSL एंड सो ऑन, मैंने हर एक एक चीज दिखाई थी। मैं चीजों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, है ना, एक एक बात, एक एक टाइप के एग्जाम्पल्स, मैंने बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लगभग 1.5 घंटे का वो वीडियो, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है जी? ओके, तो हमें मेन बात क्या याद रखने में, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस और कंकेटिनेशन, ये चार ऑपरेशन वन वे थ्योरम चलती हैं। अच्छा, अब बात आती है भाई दो ऑपरेशन जो हमारे प्रीवियस क्लास में बच गए थे, हम उन दोनों ऑपरेशन को देखते हैं। ठीक है जी? तो पहला ऑपरेशन तो है जी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है जी रिवर्सल। ठीक है? तो ये दोनों यूनरी ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट एंड रिवर्सल। ठीक है जी? कॉम्प्लीमेंट एंड रिवर्सल। अच्छा, देखते हैं भाई कौन सी क्लोज है कौन सी क्लोज नहीं है, एंड सो रादर क्लोज वाली बातों में बताइए, हमें सिंपली कन्वर्स चेक करना और कुछ नहीं। ठीक है? हाँ जी, तो मैं आपको पहली तो एक स्टेटमेंट देता हूँ कि अगर एल इज रेगुलर, एल इज रेगुलर इम्प्लाइज एल बार इज रेगुलर, मतलब कॉम्प्लीमेंट में रेगुलर क्लोज थी, है ना? आपको याद आ रहा होगा, ये मैंने पहले भी काफी बार आपको बता रखा है और प्रूफ भी कर रखा है। ठीक है? अच्छा, अगर ये वन वे थ्योरम है, अगर मैं मानता हूँ कि ये वन वे थ्योरम है, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। कन्वर्स इन द सेंस ये चीज ट्रू नहीं होगी ना, कि एल बार इज रेगुलर, एल बार इज रेगुलर इम्प्लाइज एल इज रेगुलर। ठीक है? ये चीज ट्रू नहीं होनी चाहिए, बट एक्चुअली ये चीज भी ट्रू आती है। तो अगर मैं इसको ट्रू प्रूव कर गया, तो मैं इन दोनों बातों से फाइनल कंक्लूजन क्या दूंगा, इन दोनों बातों से कंक्लूजन दूंगा कि एल इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ एल बार इज रेगुलर। ठीक है? इन दोनों बातों से मैं ये कंक्लूजन निकाल दूंगा। तो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, वन और टू से कंक्लूजन निकलेगी पॉइंट नंबर थ्री। ठीक है? आई थिंक आप समझ पा रहे होगी, बेसिक सी बात है,
मैं ऑलरेडी पहले बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर P implies Q है, याद है ना आपको, देखो फिर भी मैं लिख देता हूँ, P implies Q है, Q implies P है, तो इन दोनों बातों से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते थे भाई, P double implication to Q, है ना। ओके, तो बस वही चीज है ये। हाँ जी, तो देखो भाई सेकंड वाला पॉइंट हम कैसे प्रूव करें कि ये ट्रू है, बहुत सिंपल है भाई। देखो जैसे हमने रेगुलर के केस में प्रूव किया था, देख याद है ना आपको, मैंने कॉम्प्लीमेंट में रेगुलर क्लोज प्रूव करी थी, तो कैसे प्रूव करी थी, मैंने कहा था कि एल रेगुलर है। प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, अगर आपको नहीं पता तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसको देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया था, पर फटाफट से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो हम यहाँ क्या बोलते थे, ये देखो, ये एल इज रेगुलर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एल इज रेगुलर तो उसका मतलब एल कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर। कैसे प्रूव किया था, मैंने बोलता एल रेगुलर है तो उसका मतलब कोई ना कोई एल के लिए डी एफ ए रहा होगा, है ना। अगर डी एफ ए रहा होगा तो उसमें फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल करते थे, तो आपको याद होगा कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज आ जाया करता था, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने एल बार के लिए एक डी एफ ए बना दिया, समझ पा रहे हो ना। एल के लिए डी एफ ए था, मैंने उस डी एफ ए में फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर दिया, तो हमारे पास एक नया डी एफ ए रेडी हुआ ना, और वो डी एफ ए क्या कर रहा है, वो एल बार को एक्सेप्ट करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एल बार के लिए मैंने डी एफ ए बना दिया, और अगर एल बार के लिए डी एफ ए बन गया तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो लैंग्वेज रेगुलर है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, आप समझ पा रहे होगे। तो मतलब एल बार भी रेगुलर है, हमने ये प्रूव कर लिया। अच्छा, अब वही चीज हम यहाँ बोलेंगे कि एल बार अगर रेगुलर है, ठीक है, अगर एल बार रेगुलर है तो उसके लिए कोई ना कोई डी एफ ए होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं उस डी एफ ए में फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल बना देता हूँ, तो फाइनली हमारे पास क्या एक्सेप्ट होगा, आप देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, हमारे पास क्या एक्सेप्ट होगा, एल बार के लिए अगर मैंने कोई डी एफ ए बनाया है, उसमें फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर दिया, तो एल बार का भी हम बार कर देंगे, है ना। तो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, आपको पता है भाई एल बार का बार क्या होता है भाई, एल होता है, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एल कॉम्प्लीमेंट लिया उसका आपने फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपको पता होगा भाई एल आएगा, है ना। ये सब सेट थ्योरी में मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने क्या किया भाई, एल के लिए एक डीएफए बना दिया, और अगर एल के लिए डीएफए बन गया तो ऑब्वियसली एल भी रेगुलर होगी, हमारा काम खत्म। तो बस दैट्स इट। तो हमने सेकंड पॉइंट प्रूव कर दिया कि एल बार इज रेगुलर इंप्लाइज एल इज रेगुलर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग थर्ड पॉइंट ऑफ फाइनली अपना प्रूव कर चुके हैं, दैट इज एल इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ एल बार इज रेगुलर, आई डबल एफ, समझ गए ना, डबल आई डबल एफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अच्छा जी, अब देखो आगे, अब क्योंकि हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं, तो अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है गेट एग्जाम में। देखो आपसे ऐसे पूछेंगे कि एल इज रेगुलर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, मैं फटाफट से बोलता जाऊंगा, आप प्लीज मेरे को बताते हैं ट्रू या फॉल्स है, एल इज रेगुलर इंप्लाइज एल बार इज रेगुलर, ठीक है जी, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू हो गई। दूसरी स्टेटमेंट इसका कन्वर्स में पूछूंगा, जैसे वही पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज क्यू, सारा कुछ पूछता था, चार क्वेश्चन और चार चार क्वेश्चन ऑर्डर से आपसे पूछ रहा हूँ, पहला एल इज रेगुलर इम्प्लाइज एल बार इज रेगुलर, सेकंड एल बार इज रेगुलर, कन्वर्स हो गया ना, ये साथ साथ बोलते रहा करो, चीजें आपको याद आ जाएंगी। नहीं पता तो प्लीज लॉजिक देखो भाई, लॉजिक के बिना मैंने आपको बताया था टीओसी नहीं पढ़ सकते आप लोग, है ना। तो वही सब बार बार रिवाइज करता रहूंगा आपको, एक ही चीज है उसी को बस बार बार घुमा घुमा के आपके सामने बोलता रहता हूँ। हाँ जी, तो पहली चीज क्या देखिए, एल इज रेगुलर इम्प्लाइज एल बार इज रेगुलर, बात बिल्कुल ठीक, ये होगी डायरेक्ट, इसका कन्वर्स एल बार इज रेगुलर इम्प्लाइज एल इज रेगुलर, ठीक है जी। तो ये हो गया कन्वर्स, ये भी ऑब्वियसली ट्रू आएगा। अब क्योंकि देखो पी डबल इम्प्लीकेशन टू पी हो चुका है, तो डायरेक्ट कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव चारों के चारों ठीक आएंगे, तो ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी जी, एल इज नॉट रेगुलर इम्प्लाइज एल बार इज नॉट रेगुलर, ऑब्वियसली बात ये भी ठीक होगी, ये क्या है भाई इनवर्स, अच्छा जी कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगी भाई, एल बार इज नॉट रेगुलर इम्प्लाइज एल इज नॉट रेगुलर, ठीक है जी। तो चारों के चारों स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट क्लास तरीके से ट्रू आ जाएंगी, कारण क्योंकि हम ऊपर, अभी देखो ऊपर हम अभी बोल के आए कि एल इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ एल बार इज रेगुलर, टू वे थ्योरम थी, तो इसलिए हमने ये चारों के चारों स्टेटमेंट ट्रू बोल दी, सोचने की जरूरत नहीं, गेट एग्जाम में 1% भी नहीं सोचना, थ्योरम अगर आपको याद है एक झटके में सारा कुछ प्रूव कर जाओगे। और याद क्या, सिंपल बात आपको पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन सिंपली क्या बोल देंगे, टू वे थ्योरम है ना। देखो अभी तक जो हम देख रहे थे, ये देखो ये हमने देखी यूनियन इंटरसेक्शन सेट डिफरेंस और कंकेटिनेशन, वन वे थ्योरम्स थी, तो कॉम्प्लीमेंट के केस में हम क्या कहेंगे भाई, टू वे थ्योरम बनती है, ठीक है, ओके आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो टू वे थ्योरम बनती है, तो चारों के चारों क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे सॉल्व हो गए, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखो नेक्स्ट चीज देखो, अब देखो इस चीज का फायदा क्या है कि हम ये तो थ्योरम समझ चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, अब देखो इसका एप्लीकेशन गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप कैसे अप्लाई करोगे, ये देखो जैसे हमारे पास कोई लैंग्वेज एल आई गेट एग्जाम में, ए पावर एन बी पावर एम, ठीक
such that n plus m is greater than or equal to 10. आप एग्जाम में बैठे बैठे कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे हम प्रूव करें कि रैंक बेस्ड रेगुलर है या नहीं है, है ना, मतलब आपको लग रहा है पता नहीं शायद रेगुलर ना हो एंड सो ऑन, कंफ्यूज हो रहे हो आप. तो आप क्या कर सकते हो, आप ना इसका कॉम्प्लीमेंट सोचो. तरीका बता रहा हूँ मैं आपको सोचने का सिर्फ, है ना, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप चीजों को कैसे सोच सकते हो, कैसे अप्रोच कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ. देखो आप एल कॉम्प्लीमेंट सोचो, एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ए पावर एन बी पावर एम सच दैट एन प्लस एम इज लेस देन 10. एक तो ये होगा, ये लैंग्वेज तो ऑब्वियसली होगी होगी, है ना. अच्छा साथ साथ क्या होगा भाई, देखो यूनियन, ये हमेशा ए के पीछे बी है ना, तो बी के पीछे ए भी तो आ सकता है, तो यूनियन क्या आएगा जी, बी ए एज सबस्ट्रिंग, है ना. ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं बार बार यहाँ चीजें रिपीट नहीं करूंगा. आपको पता होगा भाई ए पावर एन बी पावर एन का मतलब क्या होगा, पहले सारे ए आएंगे बाद में सारे बी आएंगे, मतलब बी के पीछे ए कभी नहीं आ सकता. तो अगर बी के पीछे ए आ गया तो ऑब्वियसली बात है वो स्ट्रिंग कभी भी हमारा, ये देखो इस लैंग्वेज में नहीं होगा, है ना. बी के पीछे ए अगर हुआ तो वो स्ट्रिंग कभी भी हमारा इस लैंग्वेज में नहीं होगा. अगर वो इस लैंग्वेज में नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा. तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कहेंगे भाई, बी ए एज सबस्ट्रिंग, ठीक है. आई थिंक आप समझ चुके हो. अच्छा अब देखो, अब आपको जरा भी टेंशन नहीं आएगी. ये देखो ये चीज तो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये लैंग्वेज रेगुलर है. क्यों? क्योंकि तो फाइनाइट लैंग्वेज है. एन प्लस एम लेस देन 10 का मतलब क्या होगा भाई, एन और एम की वैल्यू से आप भरोगे एन जीरो एम जीरो, है ना, एन जीरो एम वन एन जीरो एम टू एंड सो ऑन. देखते समझ में आ रहा है ये तो फाइनाइट लैंग्वेज है, रेगुलर है. अच्छा बी ए एस सबस्ट्रिंग ये भी समझ में आ रहा है, दिस इज रेगुलर, है ना. तो ऑब्वियसली बात है आपको पता है, तो रेगुलर यूनियन रेगुलर आपको पता है. देखो क्लोजर प्रॉपर्टी वाली बात आएगी, दो रेगुलर लैंग्वेज गिवन उनका यूनियन क्या आएगा भाई, रेगुलर आएगा. तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे भाई, एल कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है, ठीक है जी, एल कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है. और अगर एल कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, अगर एल कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, एल इज रेगुलर, ठीक है. ये फायदा है गेट एग्जाम में बैठे बैठे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे. इसलिए मैं कहता हूँ नॉलेज इज पावर. जितनी ज्यादा नॉलेज लेके जाओगे ना गेट एग्जाम में, पता नहीं लगता कौन सा मेथड कब काम आ जाए, ठीक है. आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी. अच्छा जी चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट हम लोग अब देखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, ठीक है, which of the following is possible. बताओ भाई क्या इसमें से possible होगा. पहला option मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारा regular languages का set है, ठीक है. जितनी भी दुनिया में regular language हो सकती हैं सारा उसका हमने एक set मान लिया. मैं आपको कहता हूँ कि L language हमारे यहाँ है और L complement उसके बाहर है, क्या ये चीज़ possible है. अच्छा जी दूसरा option मैं आपको दे रहा हूँ, वही हमारा रेगुलर लैंग्वेज का सेट है. मैं आपको कहता हूँ एल कॉम्प्लीमेंट अंदर है और एल बाहर है, इज इट पॉसिबल. अच्छा जी सी ऑप्शन, एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों हमारे रेगुलर सेट के अंदर ही हैं. और एक डी ऑप्शन, चलो मैं यहाँ दे देता हूँ, ये रेगुलर का सेट हो गया और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों हमारे रेगुलर लैंग्वेज के सेट के बाहर हैं. बताओ क्या क्या पॉसिबल है क्या क्या नहीं है. जितना अभी तक आपको नॉलेज है, जितना हमने अभी तक देखा है, उसी से हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो भाई पहला ऑप्शन के बारे में बात करो, क्या पहला ऑप्शन ठीक है. नहीं, पहला ऑप्शन एकदम गलत है. कारण L अगर रेगुलर है तो मैंने अभी आपको थ्योरम बताई है, क्या L रेगुलर है तो L कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगी, है ना, सिंपल बात है एकदम. तो फिर ये क्या कह रहा हूँ मैं, L तो रेगुलर है लेकिन L का कॉम्प्लीमेंट, ये देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, L तो रेगुलर है बट L का जो कॉम्प्लीमेंट है वो रेगुलर से बाहर जा रहा है, मतलब रेगुलर नहीं है, तो इट इज नेवर पॉसिबल, है ना, सिंपल बात. ये एकदम हम इस पे काटा लगा देंगे. सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली ये भी काटा है ना, ये क्या कह रहा है, एल कॉम्प्लीमेंट तो रेगुलर है बट जो एल है वो बाहर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एल बाहर है मतलब एल रेगुलर नहीं है, इट इज नेवर पॉसिबल. मैंने आपको बताया एल इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ एल बार इज रेगुलर, है ना. तो दोनों बातें हैं हमारी, दोनों टू वे थ्योरम है ना, तो इसलिए दोनों चीज गलत हो जाएंगे, है ना. सी ऑप्शन ऑब्वियसली ठीक है, हम क्या कह रहे हैं भाई, एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों रेगुलर है, ऑब्वियसली, है ना. ये तो थ्योरम यही है कि एल इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ एल बार इज रेगुलर, है ना, ये चीज हम आराम से कह सकते हैं. डी ऑप्शन दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना. पॉसिबल इसने कहा है ना, क्या क्या चीज पॉसिबल है, एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों बाहर हो, यस हो सकता है कि एल कोई हमारी नॉन रेगुलर हो और एल कॉम्प्लीमेंट भी नॉन रेगुलर हो. बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, लो
एल ले लेते हैं हम लोग ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दिस इज वेल नोन सी एफ एल। अच्छा एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, मैं आपको पहले ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ क्या होता है भाई एल कॉम्प्लीमेंट, ए पावर एन बी पावर एम सच दैट एन इज नॉट इक्वल टू एम, ठीक है, और साथ साथ बी ए एज सबस्ट्रिंग, है ना, क्योंकि ये क्या कह रहा है भाई, ए के पीछे बी आएंगे और इक्वल आएंगे, तो इस लैंग्वेज में कहीं पे भी बी के पीछे ए नहीं नजर आ रहा, लेकिन अब हमें बी के पीछे ए भी चाहिए होगा, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे भाई, वो सारे स्ट्रिंग्स होंगे जो कि एल में नहीं है, तो बी के पीछे मतलब बी ए एज सबस्ट्रिंग, तो बी ए एज सबस्ट्रिंग तो रेगुलर है वो हमें पता है, बट ए पावर एन बी पावर एम, एन इज नॉट इक्वल टू एम मैंने जो कह दिया, ये फिर क्या हो गया भाई, ये तो रेगुलर नहीं हुआ, तो सी एफ एल हुआ, है ना, तो एक रेगुलर आई है और एक सी एफ एल है, तो रेगुलर यूनियन सी एफ एल इज CFL only, तो final answer हमारे पास CFL आएगा, है ना, याद है ना, regular union CFL, CFL क्या होती है भाई, all types of languages are closed under union with regular operation, है ना, सब चीजें मैंने आपको already बता रखी है, just for the sake of revision मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने लिखा नहीं है, अगर आप कहो तो मैं लिख देता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ, लो ऐसे मुझे लग रहा है सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो इसके साथ ये ए पावर एन बी पावर एम यूनियन में हम क्या बोलेंगे भाई, बी ए एज सबस्ट्रिंग, ठीक है, बी ए एस सबस्ट्रिंग, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, हाँ बी ए एस सबस्ट्रिंग, हाँ जी, तो ये लैंग्वेज कैसी है भाई, सी एफ एल है, और ये लैंग्वेज कैसी है भाई, रेगुलर है, और आपको पता है रेगुलर यूनियन सी एफ एल क्या होता है भाई, रेगुलर यूनियन सी एफ एल इज सी एफ एल ओनली, क्यों, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर रेगुलर यूनियन विद रेगुलर ऑपरेशन, ठीक है, तो बस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे भाई, एल हमारी सी एफ एल थी, मतलब रेगुलर नहीं थी बट सी एफ एल थी, और एल बार भी क्या आई है भाई, रेगुलर नहीं आई, वो सी एफ एल आई है, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, तो बस डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको प्रूव कर दिया डी ऑप्शन भी ठीक है, मतलब पॉसिबल है ना, तो ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, सी ऑप्शन पॉसिबल है, ये तो हम रेगुलर में देखते ही आ रहे हैं, कोई भी रेगुलर पकड़ लो उसका आप कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो रेगुलर ही निकलेगा, है ना, और डी ऑप्शन हम क्या कह रहे हैं, कोई भी नॉन रेगुलर पकड़ लो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी नॉन रेगुलर ही निकलेगा, ये सिंपल बात याद रखना भैया ना, ये देखो ये चीजें मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, देखो ये डी ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, एल इज नॉन रेगुलर देन एल बार इज नॉन रेगुलर, है ना, तो ये देखो मैंने ये जो चार ऑप्शन आपको दिखाए थे वहीं से हम बोल सकते थे, देखो एल इज नॉन रेगुलर एल बार इज नॉन रेगुलर, ये देखो सी ऑप्शन हमारा ये देखो ये चीज हमारी यही बोल रही है ना, तो ये चीज मैंने लॉजिक से प्रूव कर दी थी, हमारे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अब देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इस चीज का एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, है ना, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को इस पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा, चलो जी ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ क्या क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, ठीक है, ये ऑप्शन ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया, चलो अब हम लोग आते हैं रेगुलर वाली बातें हमारी कंप्लीट है, अब हम लोग देखते हैं सी एफ एल का केस, ठीक है जी, सी एफ एल, अच्छा ये चीज हमें पता है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हमारा चल रहा है ना, मैं एक एक करके सारे ऑपरेशन सारे लैंग्वेज की बात करूंगा, कॉम्प्लीमेंट में रेगुलर की बात कर चुका हूँ, फिर सी एफ एल सी एस एल आर ई आर ई सी ये सब हमें देखना है, उसके बाद फिर मैं रिवर्सल की बातें करूंगा, ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर प्लान है, ठीक है जी, तो बोलो भाई सी एफ एल के केस में आपको याद होगा भाई, अगर एल मेरी सी एफ एल है, एल इज सी एफ एल, ठीक है, एल इज सी एफ एल इम्प्लाइज एल बार इज सी एफ एल, बोलो क्या ये बात ठीक है, मतलब क्या ये चीज क्या कह रही है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा हूँ सीएफएल की, है ना, मतलब सीएफएल कॉम्प्लीमेंट में क्लोज होती है क्या, नहीं होती है, आपको पता है, तो इस पे हम लोग काटा लगा देंगे, ये बात बकवास है, एल अगर सीएफएल हो तो एल कॉम्प्लीमेंट भी सीएफएल होगी, नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिखा रखा है ना, याद कराओ मेरे को एग्जांपल, देखो इस स्टेटमेंट को अगर आपको फॉल्स करना है, लॉजिक स्टेटमेंट है ना ये पी इंप्लाइज की, उसको फॉल्स करना है तो मतलब इसको करो ट्रू और इसको करो फॉल्स, हमारा काम खत्म, तो लो भाई इसको ट्रू करने के लिए मैं कुछ सीएफएल उठाता हूँ, ये देखो मैंने सीएफएल उठाई ए पावर एन बी पावर एम सी पावर पी सच दैट एन इज इक्वल टू एम और एम इज इक्वल टू पी, ठीक है, ये आपको देखते समझ में आ रहा है, ये लैंग्वेज हमारी सी एफ एल है, और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, प्लीज मेरे से बार बार चीजें रिपीट मत कराओ, जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, ये देखो एन इज नॉट इक्वल टू एम एंड एम इज नॉट इक्वल टू पी, है ना, और भी बहुत कुछ आएगा बट ये चीज तो आएगी आएगी, तो चलो ठीक है मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, चलो मैं दिखाता हूँ, देखो इसमें क्या क्या आएगा, देखो इसके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, इस लैंग्वेज का मैं कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ, देखो एक तो आएगा कहाँ लिखो मैं, थोड़ी सी जगह का मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ अब लिखते हैं, देखो एक चीज तो आएगी जी ए पावर एन बी पावर एन सी पावर पी सच दैट एन इज नॉट इक्वल टू एम एंड एम इज नॉट इक्वल टू पी, ठीक है जी, एक तो ये लैंग्वेज आएगी, अच्छा इसके साथ यूनियन में और क्या क्या आएगा भाई, इसके साथ यूनियन में आएगा एक तो बी ए
एज सबस्ट्रिंग। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ये चीज क्या कह रही है, पहले सारे ए आएंगे बाद में सारे बीस। ये देखो ये चीज क्या कह रही है, पहले सारे ए सारे बीस फिर बाद में सारे सी, है ना? मतलब ए के पीछे बी के पीछे सी, तो मतलब कहीं पे भी बी के पीछे ए नहीं नजर आता। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी स्ट्रिंग में बी के पीछे ए नजर आ रहा होगा तो हमें उसको लैंग्वेज में इंक्लूड करना पड़ेगा ना, मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो लो जी हमने इंक्लूड कर दिया बी एस सब स्ट्रिंग। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप समझ पा रहे होंगे सी बी एस सब स्ट्रिंग, सी बी एस सब स्ट्रिंग और साथ साथ सी ए एस सब स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो इन सभी लैंग्वेजेस का यूनियन, ठीक है? ये देखो ये इन चारों लैंग्वेजेस का यूनियन हम लोग करेंगे, ये लैंग्वेज का इन चारों का जो यूनियन होगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट इन चारों लैंग्वेजेस का यूनियन। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मेरे को ज्यादा टाइम पास नहीं करना पड़ेगा, मैं फटाफट से बोलूंगा ये रेगुलर ये रेगुलर ये रेगुलर। तो इन तीनों का यूनियन कराओगे तो ऑब्वियसली रेगुलर ही आएगा, ऐसे समझो। देखो ये रेगुलर रेगुलर यूनियन रेगुलर इज रेगुलर ओनली। अच्छा जी अब देखो मैं लिखता जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन दोनों का यूनियन करवाओगे तो रेगुलर लैंग्वेज ही पैदा होगी। अच्छा जी अब देखो हमारे पास एक तो रेगुलर आ रखी है ये, और ये एक रेगुलर हो गई, तो दोनों का यूनियन करवाएंगे। ये देखो दिस इज रेगुलर ना, रेगुलर यूनियन रेगुलर इज रेगुलर, तो हमारे पास एक रेगुलर आ चुकी है। अब उस रेगुलर का आप इस रेगुलर के साथ यूनियन करवाओगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगी भाई, रेगुलर ही आएगी, है ना? तो अब तीनों का इकट्ठा भी यूनियन करा सकते थे, बट स्टिल जबरदस्ती मैंने फटाफट से बोल दिया और कुछ नहीं। ठीक है हाँ जी, तो फिलहाल हमारे पास रेगुलर आएगी। अच्छा जी और ऊपर वाली आपको पता भी, देखो ऊपर वाली जो लैंग्वेज है ये देखो, ये वाली जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज दिस इज सी एस एल, आपको देखते से नजर आ रहा होगा। क्यों सी एस एल है भाई? अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मेरे वीडियोस देखो जो मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज, है ना? मैंने एक दो तीन वीडियोस बनाए थे, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे करके काफी सारे वीडियोस थे, आप प्लीज वो वीडियोस देखो। मैंने वहां पे आपको अच्छे से समझाया था कि कैसे पहचान करते हैं सी एफ एल है, कैसे पहचान करते हैं सी एस एल है, कैसे पहचान करते हैं रेगुलर है एंड सो ऑन। तो वहां पे मैंने आपको बताया था, देखो भाई सेम वेरिएबल है ना, देखो एम और एम सेम वेरिएबल है ना, और डबल कंपैरिजन हुआ, दो कंपैरिजन है, मतलब एन इज नॉट इक्वल टू एम, एम इज नॉट इक्वल टू पी, है ना? डबल कंपैरिजन और साथ साथ एंड है, तो डबल कंपैरिजन विद एंड ऑन सेम ऑपरेट ऑन सेम वेरिएबल, है ना? तो एक ही वेरिएबल पे हमने दो कंपैरिजन करवाए हैं विद एंड, तो ऑब्वियसली ये सी एस एल निकलेगी, आपको याद आ रहा होगा। अगर यहाँ पे और होता तो वो सी एफ एल होती, है ना? मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, सिंपल बात भी इतनी बात करो, एन और एम बराबर नहीं होने चाहिए, एम और पी बराबर नहीं होने चाहिए, तो पक्की बात है भाई एक किस्म से हम दो मतलब एम के साथ हम लोग दो कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग वहीं फंस जाएंगे, है ना? तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, सी एस एल आएगी। ठीक है जी, तो ये रेगुलर है और ये सी एस एल है, तो रेगुलर यूनियन सी एस एल इज सी एस एल, आपको पता है क्यों? क्योंकि एवरी टाइप ऑफ लैंग्वेज इज क्लोज अंडर यूनियन विद रेगुलर ऑपरेशन। तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर क्या है भाई, सी एस एल आया। ठीक है जी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग क्या कह गए भाई, हमारे पास ये एक सी एफ एल थी, ठीक है, दिस इज अ सी एफ एल, लेकिन जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया, लेकिन जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास क्या आ रही है भाई, सी एस एल। ठीक है जी, तो बस तो हम यहाँ पे ये चीज मैंने बता रखी है आपको, बट स्टिल पता नहीं मेरे मन में है तो मैंने आपके साथ रिवाइज करा दी फटाफट। हाँ जी, तो हमने क्या प्रूव कर दिया भाई, एल ई सी एफ एल इम्प्लाइज एल बार ई सी एफ एल, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि एल ई सी एफ एल इस इज ट्रू, एल बार ई सी एफ एल दिस इज फॉल्स, मैं ये चीज प्रूव करके, है ना? तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिखा दिया है, एक सी एफ एल मैंने आपको दिखा दिया है जिसका कॉम्प्लीमेंट सी एस एल आ रहा है, बस हम वही फंस गए। तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, तो सी एफ एल क्लोज नहीं होती है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में, है ना? अच्छा जी, तो अब देखो जब क्लोज ही नहीं है तो फिर मैं आगे फिर और क्या बात करूं, है ना? इसका कन्वर्स की क्या बात करूं एंड सोन, तो ऑब्वियस सी बात आप समझ पा रहे हो भाई, एल बार सी एफ एल हो तो एल सी एफ एल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है एंड सोन, मतलब अब हमारे को कुछ नहीं पता डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, ये देखो अगर मैं ये बोलूँ कि एल इज सी एफ एल, एल इज सी एफ एल इम्प्लाइज एल बार इज सी एफ एल, ये स्टेटमेंट बकवास है, मैंने अभी आपको प्रूव कर दिया। अच्छा फिर मैं कहूँ कि एल बार इज सी एफ एल इम्प्लाइज एल इज सी एफ एल, ये बात भी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर एल बार सी एफ एल है तो एल बी सी एफ एल ही होगी होगी, है ना? इससे ये भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है ऊपर वाले स्टेटमेंट ठीक नहीं निकले तो नीचे वाली कहाँ से ठीक निकलेगी। तो समझ पा रहे ना भाई, वो चार क्वेश्चन बताते, चार चार हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा यू कैन से डायरेक्ट, ये हो गया जी कन्वर्स, फिर इनवर्स, इनवर्स क्या होगा भाई, एल इज नॉट सी एफ एल इम्प्लाइज एल बार इज नॉट सी एफ एल। ठीक है जी, ये हो गया इनवर्स, ये भी गलत। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा जी एल बार इज नॉट सी एफ एल इम्प्लाइज एल इज
नॉट CFL, बकवास है सारे के सारे, ये चारों के चारों ऑप्शन हमारे बकवास हो गए। क्यों? क्योंकि हम सिंपल बात इतनी क्या क्या आ चुके हैं, हमें पता है जब यही चीज ठीक नहीं निकली है ना, तो फिर मैं आगे क्या करूंगा ना, जब CFL क्लोज है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट में जो CFL क्लोज ही नहीं है, तो फिर मैं आगे बात ही क्या करूँ, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलो आप देखो, अब देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं आपके साथ करता हूँ। देखो आगे देखो, देखो मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ। देखो पहली चीज क्या क्या पॉसिबल है ना, जैसे मैं हमने अभी क्वेश्चन देखा था, मैं अब आपसे दोबारा से पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, ठीक है। ए ऑप्शन, वही जैसे हमने पहले रेगुलर का सेट बनाया था, अब हम बोलेंगे ये हमारा CFL का सेट है, ठीक है। मैं बोलता हूँ L हमारी यहाँ है, L बार हमारी यहाँ है, क्या ये चीज पॉसिबल है? बी ऑप्शन, वही CFL का सेट है, तो मैं बार बार लिख रहा CFL, ठीक है। L बार यहाँ है और L यहाँ है। सी ऑप्शन, L और L बार दोनों की दोनों हमारे साथ CFL में ही आ रही हैं। डी ऑप्शन, L और L बार दोनों की दोनों हमारी CFL के सेट से बाहर जा रही हैं। बताओ क्या क्या पॉसिबल और क्या क्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि L हमारी CFL हो और L बार भी हमारी सॉरी L बार हमारी CFL ना हो, इज इट पॉसिबल? यस, अभी तो मैं आपको एग्जांपल दे के आया हूँ कि L हमारी CFL थी और L बार हमारी CFL नहीं निकली थी, है ना। L तो CFL थी बट L बार हमारी CFL नहीं थी, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अभी तो हमने ये एग्जाम्पल देखा था, अगर नहीं याद आ रहा तो ये लो भाई, इतनी देर मैंने अभी लगाई है, ये देखो ये रही, ये हमारी L थी जो कि CFL थी, बट इसका कॉम्प्लीमेंट CSL निकला था, मैंने अभी आपको प्रूव किया है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया जी, ठीक है ना, दिस इज पॉसिबल। पॉसिबल पूछा ना इसने, क्या क्या चीज हो सकती है मुझे ये बताओ। ये चीज देखो प्लीज, ये चीज ध्यान रखना, आपको कल को कंफ्यूज करेगी। ये मतलब क्या होता है, एल सी एफ एल प्लस एल बार सी एफ एल, मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है, बट पॉसिबल है कि एल सी एफ एल हो और एल बार बी सी एफ एल हो, दिस इज पॉसिबल। समझ पा रहे हो? तो ये सब चीजें ना, मतलब आई थिंक पता होंगी, है ना, मैं जितना बोलूंगा आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो बेसिक सी बात है भाई, ये तो सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट्स है ना, तो लॉजिक में मैं ज्यादा इतना घुसना नहीं चाह रहा। लॉजिक वाली प्लेलिस्ट अगर आपने देखे तो आपको सब समझ आ रहा होगा मेरी क्या इंट्यूशन से फिलहाल मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज कहती है भाई ऑलवेज ट्रू, ऐसा ऑलवेज ट्रू तो पर पॉसिबल अगर मैं कहूँ तो हाँ, कोई ना कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको ढूंढ के दिखा दूंगा जिसमें एल सी एफ एल होगी और एल बार बी सी एफ एल होगी, मैं ढूंढ के दिखा दूंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये चीज कहना चाह रहा है ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज ट्रू वाली बात को आप पॉसिबल वाली चीज में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज कह रहा है ऑलवेज ट्रू, तो पॉसिबल वाली बात का मतलब क्या होगा कि कभी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, मतलब कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा दो जहां पे पॉसिबल हो, मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबल हो जाए, बस आपको ये चीज दिखानी है, ठीक है। अब वही बात है, आपके मन में शायद कंफ्यूजन आ सकती है, तो ये चीज मैंने बोला है दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना। तो ये ऑलवेज ट्रू वाली बात है, तो हमने इस पे फॉल्स कर दिया, मतलब दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो मतलब कभी ट्रू होती है कभी फॉल्स होती है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने आपको दिखा दिया एक एग्जाम्पल जिसमें ये चीज ट्रू आ रही होगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाया नहीं बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि इन चीजों का यूज, ये जो हमने चार स्टेटमेंट लिखे इनका यूज मैं ये विच ऑफ फॉलोइंग इज पॉसिबल इसमें यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज पॉसिबल पूछ रहा है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, आपको बस सिंपली ये बताना है, कोई कोई एग्जाम्पल दिखाना है, मतलब एग्जाम्पल क्या दिखाना है आपको, सिंपल पूछ रहे हैं और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर रहा हूँ कि हाँ जी कौन सा पॉसिबल और कौन सा नहीं है, ठीक है। हाँ बट ये देखो ऊपर जो हमने किया था ना, ये ऑलवेज ट्रू आ रहा था, ये देखो ये ऑलवेज ट्रू आ रहा था, ऑलवेज ट्रू, ये देखो जैसे एल इज रेगुलर एल बार इज रेगुलर दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज ट्रू है तो फिर वही बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्या चीज पॉसिबल है कि एल भी रेगुलर हो और एल बार भी रेगुलर हो, हाँ जी ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, जब ऑलवेज ट्रू आपने बोले दिया तो ऑब्वियसली पॉसिबल भी है ही है। तो इसीलिए जब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एल इज रेगुलर एल बार इज रेगुलर, है ना, तो सी ऑप्शन को ट्रू करने के लिए मैंने इस चीज की हेल्प ले ली थी, है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प ले ली थी, स्टेटमेंट या ऑप्शन सी को प्रूव करने के लिए, है ना, क्योंकि इसने क्या बोल दिया ऑलवेज ट्रू, ये चीज ऑलवेज ट्रू है ना, हमने ट्रू बोल दिया तो दिस इज ऑलवेज ट्रू है, तो हम बड़े आराम से सी ऑप्शन के लिए इसका हेल्प ले सकते थे। बट इसका मतलब क्या है ये देखो ध्यान से समझो प्लीज, लॉजिक वाली बात है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, एल सी एफ एल इम्प्लाइज एल बार सी एफ एल, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मैं ये कह के जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया कि दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसका मतलब कहीं फॉल्स भी हो सकती है ये चीज, है ना, और कहीं ट्रू भी शायद हो सकती है, तो उसीलिए फिर मैंने एक एग्जांपल में आपको दिखा दिया कि ये कहीं ट्रू हो सकती है, ठीक है। अब अच्छा सॉरी, मैंने अभी एग्जांपल ही दिखाया, मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, बट मेन बात क्या है कि दिस इज कभी पॉसिबल हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, आपको बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, जितना वही बात है, ज्यादा बोलूंगा आप लोग कंफ्यूज हो गए और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन हमने देख लिया कि एल सी एफ एल है तो एल बार हमारा सी एफ एल से बाहर चल रहा है,
दिस इज पॉसिबल। अच्छा जी, अब देखते हैं जरा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है भाई? एल बार हमारा सी एफ एल है, बट एल हमारा सी एफ एल से बाहर है, ठीक है? तो इसके लिए क्या ये चीज पॉसिबल है? ऑब्वियसली भाई, जब ए ऑप्शन ठीक है तो बी ऑप्शन को ठीक तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपको बेसिक सी बात पता है क्या, कि एल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एल होता है। बस इसी चीज से हम बोल सकते थे कि ये ऑप्शन ठीक है तो ऑब्वियसली बी भी ठीक होगा ही होगा, इसमें मेरे ख्याल से मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। बट स्टिल मेरे मन में एक दो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, मैं वो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में आई हुए हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान रखना इन सब चीजों का, ठीक है? हाँ जी, एग्जाम्पल देखो भाई। तो मेरे को कोई ऐसी एल आपको दिखानी है जो कि सी एफ एल ना हो, मतलब हम एल सी एस एल लेंगे विच इज नॉट सी एफ एल, बट जब मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो कॉम्प्लीमेंट हमारा सी एफ एल निकल आएगा, ठीक है? मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता तो समझ में आएगा। ये देखो, जैसे हम लोग थोड़ा ऊपर कर दूं, हाँ जी, तो बी ऑप्शन के लिए एग्जाम्पल देखा ना, तो मतलब मेरे को कोई ऐसी सी एस एल दिखानी है। सिंपल बात करूं तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, कोई ऐसी सी एस एल होती है जिसका कॉम्प्लीमेंट सी एफ एल आ जाए? हाँ जी, लो ये लो एल, मैं लेता हूँ एक सी एफ एल, अच्छा बोलता हूँ, तो कोई ऐसी सी एस एल है जो कि सी एफ एल ना हो। कैन वी हैव अ सी एस एल विच इज नॉट सी एफ एल whose complement is CFL? दिखाओ, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैं आपको बोल दूँ a पावर n, b पावर n, c पावर n, such that n is greater than equal to 0। well known CSL है ना ये? आप जरा मुझे इसका complement बताना क्या होगा। complement देखो क्या होगा, a के पीछे b के पीछे से, पहले तो इन्हीं की बात करो, तीनों बराबर है ना, तो तीनों बराबर ना हो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों बराबर, सॉरी देखो तीनों बराबर है तो इसको कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी दो बराबर ना हो, हमारी बात बन जाएगी, समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपको ऐसे बोलूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ए पावर एन, बी पावर एम, सी पावर पी, सच दैट एन इज नॉट इक्वल टू एम और एम इज नॉट इक्वल टू पी, ठीक है? ये है जी हमारी, ये है हमारी कॉम्प्लीमेंट में, है ना? कॉम्प्लीमेंट में ये लैंग्वेज आएगी, समझ पा रहे हो? एल कॉम्प्लीमेंट, एक तो ये आनी आनी, क्यों समझ गए ना, तीनों बराबर है भाई, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा भाई, कोई भी दो बराबर ना, हमारी बात बन जाएगी, है ना? तो मतलब कोई भी दो बराबर ना हो तो सीधी सी बात है, देखो भाई ये देखो, अगर कोई भी दो बराबर नहीं है, मतलब ए और बी बराबर नहीं है, तो पक्की बात है भाई ए एन बी एन सी एन में तो नहीं आएगी, पोस्टिंग तो नहीं आएगी, है ना? बी और सी बराबर ना आने निकले तो भी हम कह सकते हैं कि वो ए एन बी एन सी एन में लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग नहीं आएगा, समझ पा रहे? ये देखो, जैसे मैं कोई सिंपल एग्जाम्पल, ए बी बी सी सी, ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हमारा, मुझे बताओ क्या ये स्ट्रिंग हमारा इस एल को बिलोंग करता है? ऑब्वियसली नहीं करता, नहीं करता तो कॉम्प्लीमेंट को तो बिलोंग करेगा ना, तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कहेंगे भाई, या तो ए और बी बराबर नहीं है या फिर बी या सी बराबर नहीं है, बस वो चीज हमने बोल दी मेरे ख्याल से, और क्या बोलूं, आप समझ चुके हो, ठीक है ना? अच्छा मैं हटा रहा हूँ एक बार इस चीज को, ठीक है जी? तो अब आओ आप वापस अपनी बात पे। हाँ तो एक तो आएगा ये चीज, अच्छा और क्या आएगा मुझे सारा समझाओ, यूनियन में और क्या क्या लिखूं मैं? यूनियन में देखो, ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर पी, एन इज नॉट इक्वल टू एम और एम इज नॉट इक्वल टू पी। अच्छा साथ साथ अब आप समझ पा रहे हो, देखो ए के पीछे बी के पीछे सी है, तो वही बात जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बी ए एस सबस्ट्रिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्लीज, ठीक है? आप अपने आप लिख लेना, बी ए एस सबस्ट्रिंग या सी बी एस सबस्ट्रिंग या सी ए एस सबस्ट्रिंग, शॉर्ट में मैंने लिखा है प्लीज, मेरे पास जगह नहीं, आप अपना लिख लेना, बी ए सबस्ट्रिंग, सी बी एस सबस्ट्रिंग, सी ए एस सबस्ट्रिंग, अच्छे से लिख लेना, ठीक है? हाँ जी, तो ये अभी आपको मैंने समझाया था, ये तीनों के तीनों लैंग्वेज रेगुलर है, तो इन तीनों को अगर आपने यूनियन करवा लिया तो आपके पास रेगुलर लैंग्वेज ही पैदा होगी, और यहाँ से ये देखो ये लैंग्वेज हमारे पास क्या आई है भाई, ये लैंग्वेज हमारे पास सी एफ एल आई है, और आपको पता है एवरी टाइप ऑफ लैंग्वेज क्लोज अंडर यूनियन विद रेगुलर ऑपरेशन, तो घुमा फिरा करके लैंग्वेज क्या निकल के आई जी, सी एफ एल। तो मैंने क्या बोला भाई, एल तो हमारी क्या थी भाई, सी एस एल, बट एल का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला है जी, सी एफ एल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, काफी बार गेट एग्जाम इंपोर्ट हुआ, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है? ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, सी एफ एल, ठीक है? प्लीज ध्यान रखना। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल और मेरे मन में आ रहा है, ये देखो, अगर एल हमारे पास है डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, एल इज डब्ल्यू डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का स्टार, ठीक है? ये आपको पता है भाई, वेल नोन सी एस एल है, ठीक है? मतलब दिस लैंग्वेज इज सी एस एल, और एल बार ये आपको पता होगी सी एफ एल आती है, अगर नहीं पता तो प्लीज मेरा गेट 2020 की प्लेलिस्ट में देखो,
उसमें मैंने ये क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करा रखा है। गेट 2020 में क्वेश्चन आया था एज इट इज कि WW हमारी CSL है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट CFL निकलता है, प्लीज ध्यान रखना ये बात। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली CFL निकलता है, CSL तो निकल ही रहा है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट CFL होता है, प्लीज ध्यान रखना। और एक बहुत अच्छी और बड़ी ब्यूटीफुल बात आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन ना एल इज WW, W बिलोंग टू AB का स्टार, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं 2014 से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा था कि इसका कॉम्प्लीमेंट CFL होता है। अभी तक गेट एग्जाम में नहीं आया, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, है ना। तो फिर जब मैं पढ़ाता था तो बच्चे इतना ध्यान नहीं देते थे, तो कई कई बारी बच्चे अड़ भी जाते थे कि सर इसका प्रूफ दो, तो मैं प्रूफ देता था, तो प्रूफ देता था तो फिर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे, उन्हें लगता था भाई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन गेट एग्जाम में कहाँ से आएगा, नहीं पूछने वाले, है ना। बट मैं कॉन्फिडेंट था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा आएगा आएगा, और हुआ क्या देखो, 2014 से पढ़ा रहा था, 2020 में 6 साल के बाद ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद फिर सब स्टूडेंट्स को लग गया कि हाँ भाई जो सर बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आज नहीं तो कल इनका पढ़ाया हुआ कुछ ना कुछ पेपर में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ मैं गैस वर्क करता रहता हूँ, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ ना मेरी कंसंट्रेशन एकदम पीक पे होती है और मेरे मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं कराता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और वो क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखा करो भाई। ठीक है, ये मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर करी है ताकि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने, सीरियसली लें, और जो भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ उनको ढंग से करो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आएंगे। मत सोचना डिफिकल्ट है, मत सोचना ईजी है, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, प्रोफेसर किस हद तक सोच सकते हैं इतना एटलीस्ट मुझे अंदाजा हो गया इतने सालों में। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना इन सब चीजों का। ठीक है जी, चलो ओके, चलो आते हैं हम अपने वापस अपने बात पे। तो मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स दिखा दिए हैं, दो एग्जांपल दिखा दिए, तो बी ऑप्शन इज आल्सो पॉसिबल। एग्जांपल के लिए मैंने क्वेश्चन कराया और कुछ नहीं। ठीक है जी, सी ऑप्शन, एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों की दोनों CFL निकले, ऑब्वियसली दिस इज पॉसिबल, है ना। ये तो लो एग्जाम्पल, लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लो ये देखो, जैसे मैं एल ले लेता हूं ए पावर एन बी पावर एन, ठीक है, ए पावर एन बी पावर एन, अरे भाई क्या हो रहा है, ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या ये CFL है? तो एल कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा भाई, आप समझ पा रहे होगे भाई, ए पावर एन बी पावर एम such that n is not equal to m, ये तो ये क्या कह रहे हैं भाई, दोनों बराबर होने चाहिए, क्या कह रहे हैं, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, है ना, obviously बात है, कॉम्प्लीमेंट में आएगा और साथ साथ क्या आएगा भाई, ba as substring, ठीक है, ba as substring, तो ठीक है जी। अब देखो ये रेगुलर है, ये देखो दिस इज रेगुलर एंड दिस इज CFL, क्योंकि इसमें कंपैरिजन हो रहा था, ये रेगुलर तो बनेगी नहीं, दिस इज CFL, CFL बट नॉट रेगुलर, थोड़ा अच्छा बोलते हैं। हाँ जी, तो ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर क्लोज अंडर यूनियन इन रेगुलर ऑपरेशन, तो घुमा फिरा करके एल कॉम्प्लीमेंट क्या आ रही है भाई, CFL, तो लो जी सिंपल एग्जांपल रेडी हो गया हमारे पास। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, डी ऑप्शन इज ऑब्वियसली दिस इज आल्सो करेक्ट, इसका एग्जांपल चाहिए तो लो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत सिंपल, ये देखो डी ऑप्शन के लिए एग्जाम्पल, लो एल मैं ले लेता हूँ ए पावर पी सच दैट पी इज प्राइम, ठीक है, ये मैंने आपको काफी बार बता रखी है, दिस इज वेल नोन CSL, ठीक है जी। तो L कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, A पावर P सच दैट P इज नॉट प्राइम, ऑब्वियसली ये भी CSL है, ठीक है, तो दिस इज CSL बट नॉट CFL, दिस इज ऑल्सो CSL बट नॉट CFL, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली जो डी ऑप्शन है मैंने उसके लिए एग्जाम्पल दे दिया, तो बस हमारा काम कंप्लीट, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है जी। तो ये सारी बातें होगी हमारी CFL से रिगार्डिंग। अच्छा अब हम आते हैं CSL पे, ठीक है, CSL पे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन की चेकिंग करते हैं हम लोग। हाँ जी देखो भाई, CSL में आपको याद होगा, CSL में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि क्लोज होती है ना, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा भाई, एल इज CSL इम्प्लाइज एल बार इज CSL, ठीक है। अब वही बात है भाई, सिंपली इसके मैं प्रूफ में गया ही नहीं था, जब मैंने क्लोजर प्रॉपर्टीज से सीखी थी तो मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ नहीं दिया था कि कॉम्प्लीमेंट में CSL क्यों क्लोज होती है, है ना। और वही बात है, जब आपको पता है भाई L कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट L होता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना, प्रॉपर प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको सिंपली कह के भाग रहा हूँ कि L बार इज CSL इम्प्लाइज L इज CSL, ठीक है, ये चीज भी ट्रू निकलेगी। तो इन दोनों बातों से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल देंगे, L is CSL, डबल इम्प्लीकेशन एज L बार इज
सी एस एल, ठीक है, एल बार इज सी एस एल, ठीक है जी। ओके, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एल इज सी एस एल इफ एंड ओनली इफ एल बार इज सी एस एल, ठीक है जी। अच्छा चलो, अब वही बात आएगी भाई, चार क्वेश्चन बनेंगे, फटाफट से चार क्वेश्चन लिखते हैं और इस कंसेप्ट को भी ओवर करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे भाई? पहला क्वेश्चन, एल इज सी एस एल, एल इज सी एस एल इम्प्लाइज एल बार इज सी एस एल, दिस इज ट्रू। फिर कन्वर्स, एल बार इज सी एस एल इम्प्लाइज एल इज सी एस एल, ट्रू। देन एल इज नॉट सी एस एल इम्प्लाइज एल बार इज नॉट सी एस एल, देन एल इज सॉरी एल बार इज नॉट सी एस एल इम्प्लाइज एल इज नॉट सी एस एल, ठीक है। तो चारों ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएंगे मेरे ख्याल से, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, रेगुलर में मैंने ये सब बोला तो दोबारा दोबारा क्या बोलूँ, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। अच्छा सिमिलरली, ठीक है। अच्छा अब वही वो भी देख लेते हैं, सॉरी ये क्या कहते हैं, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, ठीक है। सारा कुछ एक जैसा ही चल रहा है बस, है ना, तो सब ट्रिवियल है। अब ए टू जेड आपके लिए ट्रिवियल होनी चाहिए चीजें। तो क्या क्या पॉसिबल है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, हाँ जी बोलो भाई। ए ऑप्शन आप सी एस एल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों अंदर हो, ये सी एस एल का सेट है और इससे बाहर नॉन सी एस एल है। आई थिंक समझ पा रहे हो ना, दोनों अंदर हो या फिर दोनों के दोनों बाहर हो या फिर एक अंदर और एक बाहर, बोलो भाई क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या पॉसिबल नहीं है, समझ गए ना। प्लीज रफली लिख रहा हूँ, ये सी एस एल है, ये देखो ये जो सर्कल है ये सर्कल आपको बता रहा है सी एस एल का पूरा सेट, मतलब दुनिया में जितनी भी सी एस एल हो सकती है सारा का ही सेट है। तो इससे बाहर हम जा रहे हैं, तो मतलब नॉन सी एस एल पे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों सी एस एल के अंदर है, दिस इज पॉसिबल। एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों सी एस एल के बाहर है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बट एक अंदर हो एक बाहर हो, दिस इज नेवर पॉसिबल, है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैं अभी ऊपर आपको प्रूव करके आया हूँ, देखो मैं बोल के आया था एल ई सी एस एल इम्प्लाइज एल बार सी एस एल, एल बार सी एस एल इम्प्लाइज एल ई सी एस एल, है ना। तो अगर एल सी एस एल है तो एल बार सी एस एल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, बट मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, एल बार इज नॉट सी एस एल, दिस इज फॉल्स, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो, दिस इज नेवर पॉसिबल। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नेवर पॉसिबल। तो क्या क्या ऑप्शन ठीक आएंगे भाई? ए ऑप्शन ठीक, बी ऑप्शन ठीक, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, ठीक है। बेसिक सी बात थी, आई थिंक समझ चुके होंगे। इसके एग्जाम्पल्स और वो सब में मत जाना, इतना डिटेल में भी हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज आउट ऑफ स्कोप फॉर गेट एग्जाम, ज्यादा इतना हमें घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है जी, तो वही बात है, एग्जाम्पल जब इसकी चाहिए भी सही तो आप देख सकते हो। बट ये देखो जैसे इसके लिए ले लो, जैसे ए पावर पी पी इज प्राइम, तो एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ए पावर पी पी इज नॉट प्राइम, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है ये ए के लिए आ गया। अब नॉन सी एस एल लैंग्वेजेस दिखाना इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें मत घुसो ज्यादा, इतना करने की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन सफिशियंट जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा सिमिलरली अब आप आर ई सी के लिए कर सकते हैं, तो आर ई सी के लिए आपके लिए होमवर्क है, या चलो थोड़ा सा मैं बस फटाफट से बोल देता हूँ। REC के लिए हमने क्या देखा था भाई, L is REC implies L bar is REC, ठीक है। सिमिलरली अब आप ये चीज भी प्रूव कर सकते हैं, L bar is REC, ये सब चीजें मैंने प्रूव कर थी। RE और REC लैंग्वेज का वीडियो देखो, रादर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ आर ई एंड आर ई सी लैंग्वेजेस, वो देखो मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। प्लीज हम बार बार नहीं घुसेंगे, आप प्लीज अपने आप से प्रूव कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है। एल इज आर ई सी प्लस एल बार इज आर ई सी, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी डायरेक्टली आर ई सी लैंग्वेज की, आप प्रूव कर सकते हैं। अच्छा एल बार इज आर ई सी इम्प्लाइज एल इज आर ई सी, तो ये चीज भी आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वही एक मशीन बना लेना, बोल देना हाँ और ना दोनों जवाब दे रही है तो कॉम्प्लीमेंट का फिर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, वही हमारी आर सी आ जाएगी, मतलब हाँ और ना दोनों आंसर आ रहा है, समझ पा रहे हैं। देखो हाँ और ना आंसर आ रहा है ना, तो एक और मशीन में डाल देंगे तो हाँ को ना, ना को हाँ कर देगी, एंड सो ऑन। सब मैंने तो एक्सप्लेन किया, वो ज्यादा मैं क्या बोलूँ, है ना। हाँ जी, तो फिलहाल इन दोनों बातों से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल देंगे, एल इज आर ई सी डबल इम्प्लीकेशन एज एल बार इज आर ई सी। तो सिंपली इसको हम क्या कह सकते हैं, एल इज आर ई सी इफ एंड ओनली इफ एल बार इज आर ई सी, ठीक है जी। अच्छा अब बस वही चार क्वेश्चन बन जाएंगे, बनाऊं? चलो बनाते तो 2 मिनट लगेंगे, है ना, आपको लगेगा पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं एंड सो। चलो फटाफट बोल देता हूँ मैं, एल इज आर ई सी
एम्प्लाइज एल बार इज आर ई सी, ठीक है जी। उसके बाद फिर एल बार इज आर ई सी एम्प्लाइज एल इज आर ई सी, कन्वर्स इनवर्स बोलो भाई, एल इज सॉरी ये क्या हो गया डायरेक्ट, ये क्या हो गया भाई कन्वर्स। उसके बाद हम देख रहे हैं इनवर्स, इनवर्स क्या होगा भाई, एल इज नॉट आर ई सी एम्प्लाइज एल बार इज नॉट आर ई सी, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव एल बार इज नॉट आर ई सी एम्प्लाइज एल इज नॉट आर ई सी, ठीक है। चार चार ऑप्शन, ठीक है। तो बस अब वही बात आएगी, वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग और अपना डिस्कशन ओवर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो वही बात आएगा विच इज द फॉलोइंग थिंग इज पॉसिबल। तो मैं आप प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, चुपचाप से बस एक बात बोल के भाग जाऊंगा, एल और एल कॉम्प्लीमेंट या तो दोनों अंदर होंगे या फिर एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों बाहर होंगे, मतलब एक अंदर और एक बाहर नॉट अलाउड, एल बार अंदर और एल बाहर नॉट अलाउड, ठीक है जी। दिस एंड दिस इज अलाउड, आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग, है ना, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ज्यादा एग्जाम्पल एग्जाम्पल को मारो गोली, हमारा काम कंप्लीट। अच्छा जी, अब आएगा जी आर ई, ठीक है। आर ई आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं होती, क्लोज नहीं होती, तो अब वही बात बोलेंगे हम लोग कि एल इज आर ई एम्प्लाइज एल बार इज आर ई, फॉल्स है ये बात, प्रूफ मैंने आपको अच्छे से किया था। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ आर ई लैंग्वेजेस देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ आर ई सी एंड आर ई लैंग्वेज का वीडियो देखो, मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। तो यही अब वही बात है भाई, यही स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो मैं आगे क्या बोलूँ, तो चार स्टेटमेंट बनेंगे चार चारों फॉल्स निकलेंगे ना, ये फॉल्स है तो यहीं पर मैं फटाफट कर देता हूँ, ठीक है। एल बार इज आर ई एम्प्लाइज एल इज आर ई, बकवास है ये बात, ठीक है जी। सिमिलरली इसका इनवर्स एल इज नॉट आर ई इम्प्लाइज एल बार इज नॉट आर ई, बकवास है बात। और एल बार देखो, ये तो हो गया जी डायरेक्ट, ये हो गया जी कन्वर्स, ये हो गया जी इनवर्स, अब हम देखेंगे कॉन्ट्रापॉजिटिव। एल बार इज नॉट आर ई इम्प्लाइज एल इज नॉट आर ई, ठीक है जी, ये भी बकवास, ठीक है। वही बात है, ये फॉल्स हम कह रहे हैं, ठीक है। फॉल्स कहने का मतलब क्या है कि ये चीज दीज आर नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, वही बात है। वेन डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा और क्लियर होएगा आपको, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब देखो वेन डायग्राम हम लोग कैसे बोलेंगे, क्या क्या चीज पॉसिबल है। आर ई का सेट है एल और एल बार ऐसा हो, दिस इज पॉसिबल। एल और एल बार ऐसा हो, दिस इज पॉसिबल। क्लोज नहीं है ना, तो सब चीज पॉसिबल होगी। और लास्ट एल और एल बार ऐसा हो, ठीक है, ये सब चीजें पॉसिबल हैं। अच्छा, अपना एक मन में आपके कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि सर आपने तो कोई और ही तरीके से बताया था जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे थे आर ई लैंग्वेजेस की, तो वहां पे तो कुछ और बताया था, यहाँ तो आप कुछ और कह रहे हो, मतलब आप यहाँ कह रहे हो कि ये देखो, आप यहाँ कह रहे हो कि एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों आर ई हो सकती है। हाँ जी, क्यों नहीं हो सकती, जब एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों आर ई होंगी तो नो डाउट वो आर ई सी बन जाएंगी, और क्या है, रही तो आर ई, दिस इज पॉसिबल ना, बस पॉसिबल बोलो। विच द फॉलोइंग थिंग इज पॉसिबल, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि एल इज आर ई बट एल बार इज नॉट आर ई, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। मैंने वेन डायग्राम के थ्रू दिखाया, बट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फिर पूछ सकता है एल एंड एल कॉम्प्लीमेंट बोथ आर आर ई, इज दिस पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। सी ऑप्शन, एल बार इज आर ई बट एल इज नॉन आर ई, दिस इज पॉसिबल, यस। एल एंड एल बार आर बोथ नॉन आर ई, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया था, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ आर ई लैंग्वेज देखो, मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो जो ब्यूटीफुल बात थी ना, वो ये थी शायद जो आपको कन्फ्यूज कर रही है, वो ये थी, जब मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी बताई थी तो मैंने आपको ये चीज बोली थी ना कि ये देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एल इज आर ई बट नॉट आर ई सी, जब मैं उसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो पक्की बात है वो नॉन आर ई निकले, ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो मुझे लग रहा है आपको दिक्कत ना आए, देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, ये है हमारा आर ई सी का सेट और ये है जी हमारा आर ई का सेट, ठीक है। तो एल इधर और एल बार इधर, दिस इज पॉसिबल, ठीक है जी। अच्छा जी, एल बार इधर हो गया, मैं एल वन लिख देता हूँ, ठीक है, एल वन और एल वन बार, एल टू बार इधर है और एल टू इधर है, दिस इज पॉसिबल, ठीक है जी।
और अगर मैं आपको बोलूं कि L3 और L3 bar ऐसे, दिस इज नेवर पॉसिबल, मतलब दोनों की दोनों लैंग्वेज RE बट नॉट REC हो, दिस इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, आई थिंक याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो इन केस में क्या होता है ना, यहाँ होनी चाहिए थी, मतलब L4 इधर हो और L4 का कॉम्प्लीमेंट भी इधर हो, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगा ना, मैंने बहुत बार पहले भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये इस सिनेरियो को प्लीज, इस सिनेरियो को इस सिनेरियो से लिंक मत करो। ये क्या है भाई, मैंने सिंपली इतना बोल दिया, इज इट पॉसिबल दैट एल एंड एल बार आर आर ई, यस दिस इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल है। और रादर अच्छा बोल तो इस केस में, जब ये पॉसिबल होता है ना, तो उस केस में हम क्या कहते हैं भाई, एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों आर ई सी है। यही ब्यूटीफुल थ्योरम थी, मैंने आपको क्या देती थी थ्योरम, इफ एल एंड एल बार बोथ आर आर ई देन एल इज आर ई सी। आई थिंक याद आ रहा होगा आपको, मैंने एक्सप्लेन किया था काफी बार, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टीज का वीडियो देखो भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं यहाँ बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है जी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा बस, और क्या है। ठीक है, चलो वही बात, एक्सप्लेन तो कर सकते हैं बट टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं, जब मैं पहले ऑलरेडी बता चुका तो बार बार क्यों एक्सप्लेन करूँ। ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ, बट ब्यूटीफुल बात देखो, ब्यूटीफुल बात ये आएगी, CFL के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे नीचे दिखाऊँ, नीचे दिखाता हूँ, देखो CFL के केस में ना ऐसा नहीं है। देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि दिस इज आवर रेगुलर का सेट है ये, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दुनिया में जितने भी रेगुलर हो सकते हैं इसमें आ चुकी है, और उसके बाद ये है जी हमारा CFL का सेट। तो ऐसा हो सकता है कि L और L बार दोनों CFL हो बट रेगुलर ना हो, यस दिस इज पॉसिबल, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था। ये देखो L है हमारे पास A पावर N B पावर N सच दैट N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस लैंग्वेज इज CFL बट नॉट रेगुलर, और इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी आपको दिखाया था, इट वॉज CFL बट नॉट रेगुलर, दिस इज पॉसिबल। तो रेगुलर के केस में दिस इज पॉसिबल कि L और L कॉम्प्लीमेंट दोनों CFL हो बट रेगुलर ना हो, बट RE के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि L और L कॉम्प्लीमेंट दोनों RE हो बट REC ना हो। आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो थोड़ी ब्यूटीफुल बात बोलूं कि इफ L इज RE बट नॉट REC देन L बार इज नेवर 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 RE, प्लीज ये बात ध्यान रखना, मैंने बहुत बार बोला है और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार समझा रखा है आपको पहले। ठीक है, आपको पता होगा। चलो ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो समझ चुके हो ना आप लोग मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार रिपीट करी है लास्ट टाइम, और बोल रहा हूँ कि अगर एल हमारी आर ई है बट नॉट आर ई सी है, एल इज आर ई बट नॉट आर ई सी, देन एल कॉम्प्लीमेंट इज नेवर आर ई। बट सी एफ एल के केस में ऐसा नहीं है। देखो सी एफ एल के केस में क्या है कि अगर एल हमारी सी एफ एल है, सी एफ एल बट नॉट रेगुलर, थोड़ा अच्छा बोलते हैं, एल इज सी एफ एल बट नॉट रेगुलर, देन एल बार मे और मे नॉट बी सी एफ एल। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, मे और मे नॉट बी सी एफ एल। तो आर ई के केस में मे और मे नॉट नहीं बोलना, मतलब एल इज आर ई देन एल इज आर ई बट नॉट आर ई सी देन एल कॉम्प्लीमेंट मे और मे नॉट बी आर ई, नो ये बात गलत है। क्या बोलना होता है, एल इज आर ई बट नॉट आर ई सी देन एल कॉम्प्लीमेंट इज नेवर आर ई। और सी एफ एल के केस में क्या बोलना होता है, एल इज सी एफ एल बट नॉट रेगुलर देन एल कॉम्प्लीमेंट मे और मे नॉट बी सी एफ एल। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना ये सब बातें। चलो ठीक है, अब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे रिवर्सल। रिवर्सल में बस 2 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल बात है एकदम। रिवर्सल का केस इतना इजी क्यों है, क्योंकि रिवर्सल में ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस क्लोज थी, मैंने आपको बताई थी ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। हाँ, जितना हमने अभी तक स्टडी किया है वो सारी क्लोज है, ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड। ठीक है, एक लैंग्वेज होती है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा, DCFL, है ना। तो DCFL हमारी रिवर्सल में क्लोज नहीं आती, बाकी सभी क्लोज आती। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा भाई, रेगुलर रेगुलर पढ़ा है, CFL, CSL, RE और REC, REC और RE, है ना, पांच लैंग्वेज पढ़ी है ना। तो पांचों की पांचों हमारी रिवर्सल में क्लोज थी, तो अब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, है ना, सीधा सीधा बस, है ना। अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, सीधा सीधा मैं बोल के भाग जाता हूँ। देखो L इज रेगुलर, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, ठीक है, L इज रेगुलर इम्प्लाइज L बार इज रेगुलर, सॉरी L R ना, रिवर्सल L R, सॉरी फॉर दैट, एल आर इज रेगुलर, बस वही चार चार क्वेश्चन बन जाएंगे। प्लीज आप अपने बना सकते हो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो ज्यादा ही लंबा हो रहा है। ठीक है जी, होमवर्क में चार चार क्वेश्चन आप अपने बनाएंगे, मतलब एल बार इज रेगुलर इम्प्लाइज एल इज रेगुलर एंड सो ऑन, है ना। ये सब क्यों ट्रू हो पा रहा है, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है भाई। देखो एल आर का आर, मतलब एल रिवर्स का रिवर्स क्या होता है भाई, एल ओनली, है ना। तो बस जैसे एल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एल था, तो ऐसे एल आर का आर भी एल है,
तो बस वहीं से हमारी बात खत्म हो गई, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि बिल्कुल सारा कुछ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि रेगुलर के लिए कॉपी पेस्ट हुआ है, तो सी एफ एल के लिए, देन आर ई के लिए, आर ई सी के लिए, सी एस एल के लिए, सभी के लिए कॉपी पेस्ट हो जाएगा। प्लीज आप अपने बना लेना। तो यहाँ पे आप लोग 4 क्वेश्चंस बनाएंगे रेगुलर के लिए, ठीक है, मैं जगह छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर आप वही बात 4 क्वेश्चंस और बनाएंगे किसके लिए, 4 क्वेश्चंस और बनाएंगे सी एफ एल के लिए, ठीक है, एज इट इज जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं बिल्कुल वही क्वेश्चंस आप सी एफ एल के लिए बनाएंगे। देन यू विल मेक 4 क्वेश्चंस फॉर योर सी एस एल, ठीक है, 4 क्वेश्चन आप सी एस एल के लिए बनाएंगे। उसके बाद फिर 4 ही क्वेश्चन आप प्लीज अपने आप बना लेना, भाई छोड़ना मत, ठीक है। फिर आप 4 क्वेश्चन बनाएंगे आर ई सी के लिए, और फिर आप 4 क्वेश्चंस बनाएंगे आर ई के लिए। प्लीज अपने आप बनाना भाई, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, बस कॉपी पेस्ट करते जाना है, मैं थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ बस एक बार, है ना। क्या क्या बोलना है यहाँ पे देखो, एल इज रेगुलर इम्प्लाइज एल बार इज एल आर इज रेगुलर, फिर इसका ये तो हो गया डायरेक्ट कन्वर्स, क्या होगा भाई, एल आर इज रेगुलर इम्प्लाइज एल इज रेगुलर। देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा भाई, एल आर इज नॉट रेगुलर इम्प्लाइज एल इज रेगुलर, और इनवर्स क्या होगा भाई, एल इज नॉट रेगुलर इम्प्लाइज एल एल आर इज नॉट रेगुलर, ठीक है, वही बात है। प्लीज मैंने बोल भी दिया, वैसे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं थी, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। तो ये चारों के चारों चीजें ट्रू निकलेंगे, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि क्लोज है ना, हर जगह क्लोज है, ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर क्लोज एक्सेप्ट डी सी एफ है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन हमारे ट्रू निकलेंगे, प्लीज आप अपने आप टिक लगा लेना सब पे, ठीक है जी। ओके ठीक है, टिक तो लगा लोगे ना, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत मैं आप पे छोड़ रहा हूँ भाई, प्लीज अपने आप करना, ठीक है, आ रही तक के चार चार क्वेश्चंस कर लेना। अच्छा जी, उसके बाद बस फिर वही बात आएगी पॉसिबल वाली बात, तो अब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, एल इधर और एल आर इधर, रेगुलर की मैं बात कर लेता हूँ बस, बाकी फिर सारा कुछ कॉपी पेस्ट ए टू जेड, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल है देखो, ये पॉसिबल है नहीं, एल रेगुलर है तो एल आर को तो रेगुलर होना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ऐसे ही एल आर अगर इधर है और एल इधर है, दिस इज नेवर पॉसिबल। सिमिलरली एल इधर है और एल आर दोनों की दोनों सेम सेट में हैं, दिस इज पॉसिबल, और दोनों की दोनों सेट से बाहर हैं, दिस इज पॉसिबल, ठीक है जी। तो हर एक के लिए यही हो जाएगा, चाहे आप रेगुलर की बात कर लो, ये जो हमने पॉसिबिलिटी वाली बात बोली है, ये सभी के लिए, रेगुलर के लिए, सी एफ एल के लिए, सी एस एल के लिए, आर ई सी के लिए और आर ई के लिए, ठीक है, सभी के लिए ये हमारी वेन डायग्राम एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब वही बात है, जबरदस्ती ये क्वेश्चन बनाना चाहो तो बना सकते हो कि इज इट पॉसिबल दैट एल इज रेगुलर बट एल आर इज नॉट रेगुलर, नो इट इज नेवर पॉसिबल, या कैन वी हैव अ रेगुलर लैंग्वेज हुज रिवर्स इज रेगुलर बट एक्चुअल लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, नो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, एंड सो। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मेरे ख्याल से आपको आ जाएंगे, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ भी, मैं थ्योरी क्लियर करता जा रहा हूँ, थ्योरी क्लियर करता चला जा रहा हूँ, तो यहाँ से जितने भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे आपसे सॉल्व होंगे, सिंपल बात है, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स इट, हमारे यहाँ पे जो कन्वर्स क्वेश्चंस भी थे वो भी क्लियर हो चुके हैं। तो फाइनली हमने अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी का टॉपिक है वो टेम्परेरी, बार बार बोल रहा हूँ, टेम्परेरी एंड कर दिया। अभी मैं इसको दोबारा से उठाऊंगा थोड़े टाइम के बाद, फिर दोबारा से कराऊंगा, क्योंकि मैंने अभी बहुत कुछ छोड़ा है इसमें, अलग अलग टाइप के बहुत ऑपरेशन हमने छोड़े हैं, जैसे इनिट ऑपरेशन है ना, बहुत सारे हैं, वो बहुत ऑपरेशन है, होमोमोर्फिज्म है, इनवर्स होमोमोर्फिज्म है, लेफ्ट क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, बहुत सारे हैं। तो धीरे धीरे करके मैं ऑपरेशन बढ़ाऊंगा और कुछ कुछ और बातें करूंगा आपके साथ, अभी टेम्परेरीली हम इसको शट डाउन करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।